नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नई वीडियो पे। और आज हम ड्राइव करने वाले हैं टाटा नेक्सन 1.2 पेट्रोल इंजन। और साथ में हैं आज मेरे रोहित यादव जी, जो कि फ्री एडवाइस चैनल से हैं। इन्हें मैं आपको पहले भी मिला चुका हूँ। जी बिल्कुल, हमने कोलैबोरेशन किया था, एस्क्रोस का वीडियो बनाया था, सर का काफी जो है वीडियो चला था कि नाइट ड्राइविंग वगैरह कैसे करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो फ्री एडवाइस चैनल के ऊपर है, वो भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। तो आज हमें ड्राइव करने का मौका मिला है इस कार को, और ये कार अभी लॉन्च हुई नहीं है हालांकि, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है हम दोनों गाड़ी चलाने के बाद। इन्होंने गाड़ी चला ली है और गाड़ी अब मैं चलाऊंगा, और तो शेयर करेंगे अपने आपस में एक्सपीरियंस कि कैसा रहा, कैसी चलती है ये गाड़ी, और आप लोग जो है इस गाड़ी को खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं। हम बताएंगे कि क्या इसके अंदर कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, कितनी माइलेज वगैरह प्रोड्यूस करती है, या क्या आप इस गाड़ी से उम्मीद लगा सकते हैं, या क्या आपने उम्मीद लगा रखी है, उन उम्मीद के ऊपर ये खरी उतरती है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, चला के देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस गाड़ी की कुछ अच्छी बातों के बारे में बात करेंगे। इस गाड़ी का जो इनिशियल पिकअप है, एक्सेलरेशन है, और रिस्पांस जो कि आप कहते हैं वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन लगा हुआ है 1.2 लीटर का, जो कि काफ़ी अच्छा टॉर्क प्रोड्यूस करता है लो आरपीएम में भी। दूसरी अगर हम इसकी हैंडलिंग की बात करें वो भी काफ़ी अच्छी है, और राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इस गाड़ी की, क्योंकि इसमें बैटर सस्पेंशन लगा हुआ है जो कि ऑफ रोडिंग में भी आपको एक बहुत अच्छा फील देगा, और ऑफ रोडिंग के लिए ये गाड़ी बहुत अच्छी है। सर, हैंडलिंग वगैरह तो काफ़ी अच्छी है, जैसे कि आप भी फील कर रहे हो इस चीज़ को, लेकिन मैंने एक और चीज़ जो इसके अंदर थोड़ी सी नेगेटिव जो फील करी, शायद आप भी फील करो, कि जो इसका जो क्लच जो है वो थोड़ा सा अजीब सा दिया गया है। पहली बात तो वो जो पैर जो है वो भी आपका अटकता है यहाँ पर, और साथ के साथ जो गियर शिफ्टिंग वगैरह है वो भी थोड़ी सी हार्ड है। हालांकि जो वाइब्रेशन तो नहीं है गियर के अंदर, लेकिन थोड़ी सी आप शिफ्ट वगैरह करते हो तो फील होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके क्लच और जो फुट रेस्ट होता है उसके बीच में जो गैप है काफी कम दिया हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप क्लच दबाते हुए आपका जूता या चप्पल कुछ बड़ा भी है आपका, तो वो वहाँ पर फंसने के चांसेस रहते हैं। एग्जैक्टली वही हो रहा है। और दूसरी चीज, अगर बात करें हम गियर की, गियर थोड़े से हार्ड है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि इसकी सारी गाड़ियों में हो सकता है पर्टिकुलर गाड़ी जो यूनिट जो हमें भेजी है टाटा ने उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये कह नहीं सकते हम, क्योंकि अगर और दूसरी गाड़ी चलेंगे तो ये चीज तभी क्लियर होगी। ये बिल्कुल, जब ये फाइनल प्रोडक्ट आपका आएगा मार्केट के अंदर, ये हम आपको तब बताएंगे कि कैसा जो है ये चलने के अंदर जो गियर वगैरह जो है वो कैसा रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। बाकी इंजन काफी रिस्पॉन्सिव है, और खास करके लो आरपीएम। बिल्कुल बिल्कुल, खास करके इनिशियल जो पिकअप है वो काफी शानदार दिया गया है गाड़ी के अंदर। हालांकि जब मैं चला रहा था इसको 80 अबव जब मैं गया था, तो थोड़ा सा मेरे को यहाँ पर लेजी फील हुआ था इंजन। और मैं आपको साथ ही साथ ये भी बता दूं कि जो विजिबिलिटी है वो भी काफी शानदार दी गई है, तो काफी अच्छी है विजिबिलिटी के अंदर, कोई दिक्कत हमें नहीं लगी यहाँ पर। और जो सीट वगैरह की जो कुशनिंग या कम्फर्ट वगैरह है वो भी काफी अच्छा है, और जो ग्रिप वगैरह है वो भी काफी अच्छी दी गई है। और ड्राइवर के हाइट का कोई इशू होने वाला नहीं है इस गाड़ी में, क्योंकि किसी भी हाइट के बंदे के लिए बिल्कुल परफेक्ट गाड़ी है। 6-way एडजस्टेबल सीट इसमें मिलती है, आप 5 feet के इंसान भी हैं तो आपको ये गाड़ी चलाने में कंफर्टेबल होगी, क्योंकि आप इसको सीट इसकी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और चलिए अब देखते हैं इसका 0 to 100 टेस्ट करके देखते हैं। हालांकि हमने काफ़ी सेफ्टी रखी थी उसको टेस्ट करने के लिए, खाली रोड में हमने टेस्ट किया था, तो आगे पीछे देखा हमने कि कोई आ तो नहीं रहा है, तो बिल्कुल, तो चलिए करके देखते हैं। स्पोर्ट ड्राइव मोड इज एक्टिवेटेड। चलिए अब आपने देखा होगा कि इसका पिकअप काफ़ी शानदार है, काफ़ी जल्दी इसने 100 की स्पीड पकड़ ली थी। अभी हमने जो है वो देखा था कि 0 to 100 कितने उसके अंदर जाती है टाइम के अंदर, अब हम देख रहे हैं कि 100 to 0 जो है वो कितने टाइम के अंदर, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 0 to 100 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता सर जितना 100 to 0 होता है, तो कितने डिस्टेंस, कम डिस्टेंस के अंदर ये रुक जाती है, तो वो सर अभी आपको देंगे डेमो इसका, चलो वो भी करके देखते हैं। ज़्यादा
तो जैसा आपने देखा ब्रेकिंग भी काफी अच्छी है, हालांकि मैंने ब्रेक के साथ साथ क्लच का यूज किया था तो कोई स्लिप नहीं हुआ, टायर लॉक नहीं हुआ, एबीएस ने बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करा, ईबीडी ने भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, तो ब्रेक वगैरह नहीं हुए बिल्कुल भी। तो ब्रेकिंग के मामले में एकदम जबरदस्त गाड़ी है और इसका एबीएस और ईबीडी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। इस गाड़ी के टायर चौड़े होने की वजह से रोड में पकड़ काफी अच्छी है। ये तो है, ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि आपकी गाड़ी जमीन पे है, तेज स्पीड में जैसे कि और गाड़ी में फीलिंग आती कि हवा में उड़ने लगी, वो इसमें आपको नहीं मिलने वाली है। तो चलिए बॉडी रोल चेक करते हैं। अभी जो थोड़ी सी तेज स्पीड के ऊपर जो है थोड़े से शार्प टर्न है हम लेके देख रहे हैं यहाँ पर बॉडी रोल वगैरह कैसा है गाड़ी का। तो यहाँ पर बॉडी रोल तो मिलता है लेकिन इन कंपैरिजन ऑफ अदर गाड़ियों के, लाइक जैसे कि आपका स्कॉर्पियो वगैरह हो गया, तो जो उनके अंदर जो बॉडी रोल मिलता है, इनफैक्ट जो इनका खुद का जो सफारी है उसके अंदर जो बॉडी रोल है वैसा आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। टाटा ने काफी हद तक कंट्रोल किया है, हालांकि इसके अंदर 210 जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी है बॉडी रोल है लेकिन उतना नहीं है। तो एक तरीके से कॉन्फिडेंस आता है आपको तेज स्पीड में टर्न करते हुए गाड़ी को, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और कहेंगे आपसे ये कि आप स्लो स्पीड में ही चलाइए, तेज शार्प टर्नों में काफी रिस्की है ये चीज। वैसे सर एक बात कहनी पड़ेगी, आप काफी सेफ ड्राइव करते हो। ओके रोहित जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जी? गाड़ी तो काफी अच्छी है नो डाउट, और चलाने में भी काफी अच्छी है और स्मॉल सेगमेंट में, स्मॉल एसयूवी सेगमेंट, कॉम्पैक्ट एसयूवी के अंदर आती है बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है इसका प्राइस क्या होगा मार्केट में? ये आपने बड़ा सही सवाल किया, क्योंकि इस गाड़ी की जो पूरी की पूरी जो परफॉर्मेंस है मार्केट के अंदर जो है वो इसके प्राइस के ऊपर ही निर्भर करेगा कि क्या प्राइस के अंदर जो है टाटा निकालती है। हालांकि जो मेरा अनुमान है इस हिसाब से होना चाहिए इस गाड़ी का प्राइस कि पेट्रोल के अंदर कहीं ना कहीं इनकी 680 या 690 के आसपास इस गाड़ी को स्टार्ट हो जाना चाहिए अगर इसको मार्केट के अंदर अपनी एग्जिस्टेंस जो है वो शो करनी है तो लोगों को। तो क्योंकि इसका कॉम्पिटिशन आप देखिए किससे है, ब्रीजा से जो डीजल के अंदर अपनी महारत हासिल कर चुकी है, इसका कॉम्पिटिशन है फोर्ड इको स्पोर्ट से, ठीक है। और लोगों को हालांकि काफी उम्मीद है इस गाड़ी से, लेकिन वो तभी है जब जो टाटा है इसका प्राइस जो है वो काफी कम जो है रखेगा इस गाड़ी का। तो अगर आपको इतने कम प्राइस में मिलती है तो ये बहुत अच्छा पैकेज है। और अगर 7 लाख से कम के अंदर स्टार्ट हो जाती है गाड़ी और पेट्रोल के अंदर आपको 9.5 या 10 तक जाती है इसका टॉप वेरियंट, तो निश्चित तौर पर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और अगर डीजल के अंदर ये वहीं पे 7.5 के आसपास स्टार्ट हो जाती है गाड़ी। तो एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि माइलेज की उम्मीद इस गाड़ी से मत रखिए, इस गाड़ी का जो माइलेज है आपको पेट्रोल में मैक्सिमम 10 या 11 मिलने वाला है। बिल्कुल, देखिए इसका मतलब इसका रीजन ये है कि एक तो इसके अंदर जो है टर्बो चार्ज वगैरह जो इंजन दिया गया है, दूसरी चीज की इसकी बॉडी जो है वो काफी हैवी भी है यार, ठीक है। तो उतने के अंदर उतना टॉर्क या पावर जो प्रोड्यूस करने में काफी यार पेट्रोल वगैरह तो लगेगा ही लगेगा डेफिनेटली। तो उसमें आपको माइलेज के हिसाब से तो कोई खास यहाँ पर नहीं मिलेगी, और अगर आप खास तौर पर जिगजैग वगैरह करके या इस टाइप से चलाते हैं तो 8, 7, 8, क्योंकि अभी हमने जो टेस्ट ड्राइव वगैरह करी है गाड़ी तो अभी 8 की एवरेज निकाल रही है अभी, तो 8 की माइलेज तो सोचने वाली बात है। सर अभी तो अपन लोग जो है वो स्पोर्ट्स मोड के अंदर चल रहे हैं, अभी इसको इको या सिटी के अंदर चला के देखिए तो कैसा फील करते हो आप बताना। चलो मैं इसको इको मोड में चला के देखता हूँ पहले। इकोनॉमी ड्राइव मोड इज एक्टिवेटेड। ये आपके इंफोटेनमेंट के अंदर भी बाय द वे शो करता है कि जब आप चेंज करते हो ना इस नोब से तो क्या फील हुआ सर? बहुत पावर कम डिलीवर हो रही है डेफिनेटली, बहुत ही लेजी बन आ गया है गाड़ी के अंदर। आप इनिशियल पिकअप जो है जो हम बात कर रहे थे काफी एग्रेसिव है ये गाड़ी, तो यहाँ पर जब आप इसको इको मोड में डालते हैं तो वो काफी कम हो जाता है, काफी कम हो जाता है। तो इको मोड बनाया गया है आपको फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी मिल पाए, अगर आप हाईवे साइड में ड्राइव करते हैं तो वहाँ पर आपको फ्यूल एफिशिएंसी काफी अच्छी मिलेगी, लेकिन जो पिकअप है वो तो भूल जाइए आप, कोई खास इतना ज्यादा नहीं मिलेगा। इनफैक्ट जो स्पोर्ट्स मोड वगैरह है उसके अंदर पे भी 80 तक तो आपको काफी अच्छा रिस्पांस मिलेगा, अबव 80 थोड़ा सा लेजी आप फील करेंगे, स्पोर्ट्स मोड के अंदर भी आपको लगेगा कि आप नॉर्मल मोड के अंदर चला रहे हैं, तो ये आप डेफिनेटली फील करेंगे। और खासतौर पर आप टेस्ट ड्राइव जरूर करके देखिए जैसे गाड़ी लॉन्च होती है, तो आप कैसा फील करते हैं नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम इसको सिटी मोड में डालते हैं।
सिटी ड्राइव मोड इज एक्टिवेटेड। तो हल्का सा इसमें रिस्पॉन्स मुझे अच्छा मिल रहा है गाड़ी चलाने में, थोड़ा सा पावर जो है इंक्रीज हो गई है मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा जो एक्सीलरेशन रिस्पॉन्स है ना उसके अंदर आप फील करते हो हल्का सा, लेकिन स्पोर्ट्स मोड के अंदर थोड़ा सा आप ज्यादा फील करोगे। भैया ये यूपी के गोलगप्पे वाले हैं, ऐसे नहीं हटेंगे। बड़ी रेडियां जा रही है यार गोलगप्पों की, हाईवे के ऊपर गोलगप्पे वगैरह की रेडियां जा रही है। तो इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि ये गाड़ी चलने में कैसी है, 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो कि टॉप मॉडल है यहाँ पर। बाकी जो गाड़ी के फीचर्स है इंटीरियर एक्सटीरियर आप देख सकते हैं रोहित जी के चैनल पे जो कि फ्री एडवाइस है, और गगन जी के चैनल पे और अमित सर के आज कार गुरु चैनल पे, वहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल रिव्यू इस गाड़ी का, जो कि आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं लेना चाह रहा था इस गाड़ी को चला के कि क्या टाटा करने वाली है नेक्सन के साथ, क्योंकि हवा बहुत उड़ रहा है इस गाड़ी का, न्यूज में न्यूज़पेपर न्यूज चैनल आप लोगों की भी काफी डिमांड आ रही थी कि नेक्सन चला के बताओ, नेक्सन चला के बताओ कैसी चलती है ये। तो उस बेस के ऊपर टाटा ने जो गाड़ी भेजी है तो इसके ऊपर ओवरऑल काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा इस गाड़ी को चलाते हुए, और मुझे काफी अच्छी लगी है गाड़ी, इम्प्रेसिव है पेट्रोल इंजन। तो जहाँ तक बात आती है फ्यूल एफिशिएंसी की डीजल इंजन में, वो की जो काफी अच्छी मिलने वाली है डीजल इंजन में, आप बिल्कुल कह सकते हो 1.5 आएगा 108 bhp के साथ, वो आपको अच्छी जो है माइलेज उससे उम्मीद जरूर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पेट्रोल के अंदर कोई खास उम्मीद मत रखिएगा माइलेज से। और बाकी जैसा कि हमने आपको बताया कि प्राइस वगैरह के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि ये गाड़ी कितना अच्छा करेगी, स्पेशली जो है वो पेट्रोल वेरियंट। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।